सो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, आई एम गोइंग टू गेट अ वीडियो विच विल मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव विद अ टॉडलर. सो हेयर आई एम विद न्यू वीडियो विच इज मंडे टू फ्राइडे लंच बॉक्स आइडियाज फॉर टॉडलर्स. सो ऑल दीज रेसिपीज आर वेरी सिंपल टू मेक देम. इट विल हार्डली टेक लाइक 10 टू 15 मिनट्स इन मॉर्निंग. ऑल दी रेसिपीज आर वेरी इजी टू फॉलो इफ यू आर अ स्टे होम मॉम और यू आर अ ऑफिस गोइंग मॉम. ऑल दी रेसिपीज आर क्वाइट इजी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. So the first recipe for the lunchbox is potato pancake. So here I have taken two medium sized potatoes. तो मैंने दो potatoes लिए हैं. दो potatoes से आप कम से कम एक से दो potato pancakes बहुत आराम से बना सकते हैं. अगर आपको आपके लंच बॉक्स में ज़्यादा क्वांटिटी में लंच रखना है तो आप आलूओं की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एक ग्रेटर की हेल्प से आलूओं को ग्रेट कर रही हूँ. अब इन आलूओं को बहुत अच्छे से धोना है ताकि आलू में जो स्टार्च होता है वो निकल जाए, ताकि पैनकेक्स बनाने में हमको आसानी रहे. मैंने यहाँ पर एक ड्रेनर लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसमें से मैं आराम से निकाल सकूं. एंड हियर आई एम यूजिंग द स्पून टू रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम द पोटैटोस. एंड देन ट्रांसफर इट टू द अनदर बाउल. सो हियर आई हैव टेकन ग्राम फ्लावर विच इज बेसन, सॉल्ट टू टेस्ट एंड कॉर्नफ्लावर. अब मैं इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को ग्रेटेड पोटैटोज में ऐड करूंगी. अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी ताकि मैं इन सारी की सारा ही चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूं. हमें इसमें ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, अदरवाइज बहुत ही रनिंग कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए. तो कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए ताकि हम इसको पैन के ऊपर बहुत आसानी से स्प्रेड कर पाए. स्विच ऑन द गैस, पुट द पैन, ऐड ऑयल एंड स्टर इट. अब यहाँ पर आप एक स्पून की हेल्प से, जैसे अभी मैंने यहाँ पर पैनकेक का बैटर जो है उसको स्प्रेड करा है, उसको इवनली आप भी स्प्रेड कर लीजिए. आप देख सकते हैं जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिन नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ क्वाइट ईजी टू स्प्रेड इट इवनली ऑन द पैन. पैन को थोड़ा सा टॉस कर लीजिए ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो पाए. अब आप इसका लिड कवर करके गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे. अब इसे फ्लिप करके टर्न कर दीजिए. देखिए, एक तरफ से ये बहुत अच्छी तरीके से पक गया है. अब हम फिर से लिड लगाकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कुक होने देंगे. एंड इन दिस वे इन लाइक 4 or 5 मिनट्स योर पैनकेक्स आर रेडी टू बी सर्व्ड इन योर चाइल्ड्स लंच बॉक्स. So here the potato pancake is ready. I'm adding some tomato ketchup on the top of it, evenly spreading it all over the pancake. You can even keep chutney, jam, whatever your child likes to eat. So here I'm just simply wrapping it in the aluminium foil. And along with the pancake, I'm giving him some cashews on Monday. So ye tha mera Monday ka lunchbox, which is very simple and easy. It will hardly take like 5 to 10 minutes to prepare this dish. And Monday is done. तो इसके लिए हमें चाहिए इडली. अब मैंने यहाँ पर घी लिया है और उस घी को मैं इडली के ऊपर अच्छे तरीके से डाल रही हूँ. यू कैन इवन यूज ब्रश टू इवनली स्प्रेड द घी ऑन द इडलीज, बट आई एम सिंपली यूजिंग माई हैंड्स टू इवनली स्प्रेडिंग इट ऑन द इडलीज. अब मैं यहाँ पर मैंने MTR का गन पाउडर लिया हुआ है जो कि आपको बहुत ईजिली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगा. अब उस गन पाउडर को मैंने इस इडली पर इवनली अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है. अब हम गैस ऑन करेंगे, एक पैन लेंगे, उस पैन पे हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इस वुडन स्पैचुला की हेल्प से उस घी को अच्छी तरीके से इवनली उस पैन के ऊपर हम लगा देंगे. और जब एक बार पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये जो हमने इडलीज पे जो हमने गन पाउडर लगाया उसको हम ऐसे ही उस पैन के ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा घी और स्प्रेड करेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से कुक होना स्टार्ट हो गया है.
एंड वंस यू फील कि ये पक गया है तो आप इसको फ्लिप करके चेक कर लीजिए कि इडली का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर अभी हमारी जो पोड़ी इडलीज हैं वो बनके एकदम रेडी हो गई हैं, तो उसे आप एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लीजिए। तो हमारी जो पोड़ी इडलीज हैं वो बनके एकदम तैयार हैं। तो मैं इन चारों पोड़ी इडलीज को एक एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के ऊपर रख रही हूँ। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर और गन पाउडर स्प्रिंकल करा हुआ है। तो मैं इसको फॉइल पेपर को अच्छे से रैप करके लंच बॉक्स में रख दूंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम कीपिंग सम कैश्यूज एंड द पिस्ताचूज। सो मैं यहाँ पर जो पिस्ता है उनको मैं छील के रख रही हूँ ताकि उसे स्कूल में खाने में आसानी रहे, और थोड़े से कैश्यूज। तो इस तरीके से हमारा ट्यूसडे का लंच भी बनकर एकदम तैयार है। इसको बनाने में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 मिनट लगेगा। तो मैंने यहाँ पर हरा पालक लिया है जिसको मैंने रात में अच्छी तरीके से धो के रख दिया था। मैं इसे एक मिक्सिंग जार में ले रही हूँ। मैंने नमक और पानी यहाँ ऐड करा है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके हमारा मिक्सचर रेडी है। मैं यहाँ इस बाउल में आटा ले रही हूँ, और ये जो मेरा ग्राइंड करा हुआ मिक्सचर है उसको मैं इस आटे के साथ ऐड कर दूंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल ऐड ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑफ ग्राम फ्लावर विच इज बेसन एंड अ पिंच ऑफ हींग। तो मैं अब इसका एक बहुत अच्छे तरीके से इसे नीट करके एक इसका डो रेडी कर लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पालक में ग्राइंड करते टाइम हमने पानी डाल दिया था। तो जितना आपको ज़रूरत हो पूरी के आटे के हिसाब से आप उतना ही पानी इसमें और ऐड करिएगा। अदरवाइज ज़्यादा अगर आप थिन कर लेंगे तो आप फिर अच्छे तरीके से पूड़ियाँ खस्ता नहीं बना पाएंगे। तो तेल मैंने ऑलरेडी गैस पे रख दिया है, मैं उसे गर्म होने दे रही हूँ। तब तक मैं छोटी छोटी सी लोइयाँ काट लूँगी पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इन पूरियों को तलना स्टार्ट कर दिया है। तो आज के इस लंच में मैं उसको सिर्फ 2 पालक पूरी ही रख के देने वाली हूँ, बिकॉज स्कूल में उसको प्री लंच एक मील मिल जाता है, जिसकी वजह से आई एम नॉट वरिड। थोड़ा हेल्दी भी मिलता है वहाँ पर खाना, इसलिए मैं ज़्यादा वरिड नहीं होती हूँ। एंड ही इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग लंच इन स्कूल। सो मैं जो लंच रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत सिंपल और ईजी टू ईट बनाती हूँ, ताकि उसको खाने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हैसल ना हो जाए। तो इस तरीके से अब मैं अपनी जो दोनों मैंने पालक पूरीज बनाई हैं उसको मैं इस फॉइल पेपर में रैप करके लंच बॉक्स में रख दूंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गिविंग हिम सम रोस्टेड मखानास। तो इन मखाना को कैसे रोस्ट करना है उसकी जो रेसिपी है आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगी, तो प्लीज़ श्योर चेक इट आउट। तो इस तरीके से हमारा वेंसडे लंच बॉक्स भी रेडी। सो फॉर दिस यू नीड 3 टेबलस्पून ऑफ ग्राम फ्लावर which is basin, add salt to taste, finely chopped onions, a pinch of hing and ajwain. Add water and with the help of blender blend this mixture very nicely. तो यहाँ पर भी हमें जो consistency है वो उतना ही रखना है ताकि हमें उस pan पे बनाते time ये evenly spread हो पाए। तो उस हिसाब से ही इसकी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ही ज़्यादा थिन और ना ही ज़्यादा थिक। एक मीडियम कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम इस बैटर को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है उसको इस पैन में डाल दिया है। अभी मैं एक स्पैचुला की हेल्प से ऑयल इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट जस्ट ऐड दिस बैटर ऑन द पैन और इस बैटर को अच्छी तरीके से इवनली आप स्प्रेड कर लीजिए। इस हिसाब से स्प्रेड करना है कि ऐसा ना हो कि कहीं पर ज़्यादा थिक हो जाए और कहीं पर थोड़ा थिन। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टॉस कर रही हूँ ताकि ऑयल जो है वो किनारे पे अच्छे तरीके से आ जाए। एंड वंस व्हेन यू फील कि ये पकना स्टार्ट हो गया है तो इसको आप फ्लिप कर दीजिए एंड चेक। इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से कुक हो पाए। तो जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इस हिसाब से मैं एक फॉइल पेपर में इस चीले को रख रही हूँ और उसे मैं अच्छी तरीके से रैप कर रही हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू कीप इट इन हिज लंच बॉक्स अलॉन्ग विद दी पफ्ड राइस। तो क्योंकि मैंने पफ्ड राइस ऑलरेडी ही बना के रखा हुआ है तो इस रेसिपी को बनाने में भी, इस लंच रूटीन को बनाने में भी मुझे हार्डली 5 या 10 मिनट ही लगा है, और मेरा जो लंच बॉक्स है वो रेडी है।
तो मैंने यहाँ पर चार इडली को बना करके रख लिया है और अब मैं एक नाइफ की हेल्प से उन इडलीज को वर्टिकली चार पीसेस में कट कर लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया हुआ है और उसमें मैंने ऑयल गरम करके रख लिया है। अब मैं इन इडलीज को अच्छे तरीके से डीप फ्राई करूंगी। और जब ये इडलियाँ अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगी तो उन्हें एक पेपर टॉवल में आप निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वहाँ से निकल जाए। तो अब मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ और अगेन आई एम टेकिंग द गन पाउडर और मैं यहाँ पर गन पाउडर स्प्रिंकल करके इन इडलियों में अच्छी तरीके से उसे टॉस करूँगी ताकि जो गन पाउडर है वो अच्छी तरीके से सारी इडलीज में मिल जाए। तो यहाँ पर अब मैं लंच पैक कर रही हूँ, उसके लिए मैंने इन इडलियों को जो है वो एक फॉइल पेपर में लिया है। अभी मैं उसको अच्छी तरीके से रख कर रैप कर लूँगी। तो मैं इडली फ्राइज के साथ में आज मैं ब्लैक ग्रेप्स एंड ग्रीन ग्रेप्स भी रख रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो फ्राइडे का लंच बॉक्स है वो भी रेडी है इन हार्डली 5 to 10 minutes। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम मखानों को कैसे रोस्ट कर सकते हैं और उसको हमें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी काफ़ी दिन रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी लिया है एक पैन में। अब मैं मखाने लूँगी और उस मखाने को मैं इस पैन में डाल दूँगी। इसको आप इवनली स्प्रेड कर लीजिए। आपको लगता है कि मखानों के हिसाब से घी की क्वांटिटी कम है तो आप उसे बाद में भी घी डाल सकते हैं और इसे स्टर करते रहिए ताकि वो जले नहीं। अब मैं यहाँ पर कैच की चाट मसाला और ब्लैक पेपर लूँगी जिसको मैं स्प्रिंकल करूँगी इन मखानों के ऊपर एंड देन मैं उसको स्टर करूँगी ताकि ये जो दोनों मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरीके से ऐड हो पाए। तो जो मखाने हैं उसको आप मीडियम फ्लेम पर ही कुक करिएगा, अदरवाइज वो जल भी सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक दो मखाने आप टेस्ट कर लीजिए। अगर खाने में थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए दैट मीन्स कि आप गैस को ऑफ कर दीजिए और जो आपके मखाने हैं वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो जब आपको ये लगे कि प्रॉपरली ये रोस्ट हो गया है तो आप उसको एक किचन पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लीजिए और जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको एक एयरटाइट कंटेनर में काफ़ी टाइम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं कि अपने बच्चे को हर ऑल्टरनेट डे दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हम लाई की नमकीन या फिर पफ्ड राइस की नमकीन कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है एंड नाउ आई विल ऐड जीरा, अ पिंच ऑफ हींग और थोड़ी सी हल्दी। और जो मेरी लाई है या फिर जो पफ्ड राइस है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर मैं एक वुडन स्पैचुला की हेल्प से, आप देख रहे हो कि मैं इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि जो तीनों इंग्रेडिएंट्स थे वो इस लाई के अंदर ईजिली मिक्स हो जाए। एंड देन आई विल ऐड चाट मसाला, नमक एंड सम ब्लैक पेपर टू इट फॉर द टेस्ट। And then at last I have added here some green dhaniya. अब मैं इसको medium flame पर ही थोड़ा सा और देर cook होने दूंगी। Again same आपको वैसे ही उसे taste करके देखना है कि अगर थोड़ा सा कुरकुरापन आ गया है at that time you can switch off the gas and then take it out on the kitchen paper towel. इसको ठंडा होने दीजिए and then you can store it again in the airtight container. तो ये था मंडे टू फ्राइडे लंच बॉक्स रेसिपी ऑफ माय टॉडलर। आई रियली होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ सो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बाय बाय।